अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां नवनिर्मित रीवा सीधी टनल का लोकार्पण अगले माह दिसंबर के शुरुआती दिनों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा। आज कलेक्टर मनोज पुष्प ने मौके पर पहुंचकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। टनल के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री जी के आने की संभावना है 1 तारीख को, तो उसके लिए हम लोग कार्यक्रम स्थल को देखने के लिए और कहाँ पे चॉपर उतरेगा, कहाँ से मूवमेंट होगा, किस तरीके से इनॉग्रेशन की प्रक्रिया होगी, उसके लिए सभी विभाग के साथ आए हैं। अभी इसके प्लानिंग हो जाती है, फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोगों की बैठक होगी और चीज़ें फाइनल की जाएगी, ताकि बिना भीड़ भाड़ के यहाँ से गाड़ी लगा के उनको टनल पर ले आए, टनल पे इनोवेट करके अंदर घूम लेंगे, घूम के सीधे वो कार्यक्रम स्थल चले जाएंगे और जब तक कार्यक्रम स्थल पहुँचेंगे तब तक ये चौपर कार्यक्रम स्थल के किसी आस पास वहाँ पर दोबारा एक बार और क्या यहाँ उतर के कार्यक्रम करें और वहाँ से चौपर आ जाए और वहाँ से कार्यक्रम करके वहाँ से वहाँ भी उतार दिया जगह जम जाती है, तो यहाँ उतर के यहाँ से सीधे चले जाएंगे कार्यक्रम स्थल और टनल पहले टनल जाएंगे सर। हाँ टनल पे जी, टनल पे आप क्या कराएंगे? टनल में सर उनसे फीता कटवाने के बाद उनको जो अपनी व्हाइट गाड़ी का 26 और 15 अगस्त को अपन जो लगाते हैं गाड़ी, उस गाड़ी से पूरा वॉक करके पूरा का पूरा ग्राउंड लेने के बाद वापस कार्यस्थल पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे केवल फीता कटने ज़्यादा समय नहीं है, यहाँ पे केवल 5 मिनट जी, और इसका जो हमारा मॉडल रखा हुआ है सर आपने देखा हुआ, मॉडल दिखाएंगे उनको, मॉडल दिखाने के बाद पूरा एक बार एक राउंड देंगे, ठीक है? राउंड देखे वो जोरदार है।